जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार कठुआ जिले को ईश्वर ने अपनी खास नेमत से बख्शा है। कठुआ जिले में धार्मिक स्थलों के साथ साथ ऐसे दर्जनों टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जो अभी तक देश विदेश की यात्रा के शौकीनों और पर्यटकों की निगाहों में नहीं आए हैं। जैसे जैसे आप कठुआ जिले के पहाड़ी इलाकों की ओर बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे प्राकृतिक सुंदरता और हरियाली से लगभग वैलियों को अपनी ओर बाहें फैलाए आपका स्वागत करते पाएंगे। कठुआ जिले के बनी कस्बे से करीब 32 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र तल से 7000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है सरथल। घास के विशाल मैदान की शक्ल वाला सरथल वर्ष में करीब 6 महीने तक बर्फ से ढका रहता है। सरथल यहां आने वाले शख्स का बरबस ही मन मोह लेता है। दूर दूर तक फैला हरे घास का मैदान, कल कल का मधुर संगीत सुनाते प्राकृतिक झरने और विभिन्न प्रजातियों के वृक्षों की हरियाली से ढकी वादियां। आप यूं भी कह सकते हैं कि प्रकृति की अनगिनत सौगातों से परिपूर्ण है सरथल। शांति और प्राकृतिक वातावरण की इच्छा रखने वाले पर्यटकों के लिए सरथल एक मनपसंद डेस्टिनेशन है। बहुत से लोग तो यहाँ टेंटों में रहकर यायावर जिंदगी का लुत्फ लेने भी आते हैं। सरथल को अगर बेहतर सड़क संपर्क और बुनियादी सुविधाओं से लैस कर दिया जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ आने वाले पर्यटकों की तादाद में रिकॉर्ड बढ़ोतरी ना हो। जम्मू कश्मीर सरकार और टूरिज्म डिपार्टमेंट अगर वास्तव में टूरिज्म सेक्टर को प्रोत्साहित कर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देना चाहते हैं तो सबसे पहले सरथल जैसे मनोरम पर्यटन स्थलों को मोबाइल कनेक्टिविटी से जोड़ा जाना चाहिए ताकि वहां जाने वाला हर शख्स शेष दुनिया से जुड़ा रहे।